सो हाय फ्रेंड्स, तो आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो 3, 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम क्रोशिया से 25 चैन इसमें बनाएंगे। तो देखिए, हम लोग दो कलर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एक कलर से बना रही हूँ, यानी कि जो आपको आज वीडियो दिख रहा है वो मेरी मम्मी बना रही है। तो ये देखिए, हम 25 चैन की एक चैन बना लेंगे। ये देखिए, इसके बाद में हम हर चैन में डालकर एक क्रोशिया पूरा करेंगे, है ना। यानी इनको हम शायद चावल बोलते हैं, तो वो हम लोग बनाएंगे। हर चैन में से हमें लेना है एक एक बार ही, फुल जो चावल बनता है वो हमें बनाना है, यानी फुल क्रोशिया लेना है, हाफ नहीं लेना है, इसके लिए फुल लेना है। और सभी में हम एक एक बार ले लेंगे सभी चैन के अंदर। तो ये देखिए, सभी चैन के अंदर हमने ले लिया है। इस तरीके का इसका लुक आएगा इसके बाद में। अब यहाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अब हमें थोड़े फंदे बढ़ाने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चैन को हम सिंगल बनाएंगे, यानी कि एक एक क्रोशिया लेंगे 3 चैन में से, और उसके बाद जो चौथा वाला फंदा होगा हमारा, उसमें से हम लोग डबल करेंगे, यानी कि चौथे चेन को हम डबल कर लेंगे। 3 को हम पहले 1, 2, 3 इस तरह से काउंट करके 3 को हम सिंगल सिंगल करेंगे और चौथे को हम लोग डबल कर लेंगे। ये हम स्टार्टिंग में भी चोली बना रहे हैं। अगर आप लोगों को चोली बनाना आता है तो आप यहाँ से स्किप करके आगे भी देख सकते हैं जो हमने डिज़ाइन बनाया है बाद में। तो यहाँ पर हम लोग पहले 3 सिंगल लेंगे और चौथे को डबल करेंगे, उसके बाद में हम काउंट करके फिर से 3 सिंगल लेंगे और चौथा डबल करेंगे। 3 हमने सिंगल लिया है, जो चौथा हम करेंगे वो डबल करेंगे। इसके बाद में फिर से हम 3 सिंगल करेंगे और चौथे को डबल करेंगे। 2 बार हमें ऐसे करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 सिंगल लेंगे और फिर एक को हम डबल कर देंगे, यानी 9 फंदे लेंगे टोटल, जिसमें से 8 को हम सिंगल कर देंगे और 9 को हम डबल कर देंगे। और फिर उसके बाद में हम 4 सिंगल लेंगे, तो 3 सिंगल लेंगे, चौथे को डबल करेंगे, फिर दोबारा 3 सिंगल लेंगे और चौथे को डबल करेंगे। इस तरीके से हमें फंदों को बढ़ाना होगा, यानी कि फर्स्ट में 3 सिंगल लिए, चौथा डबल किया, फिर 3 सिंगल लिए, फिर चौथा डबल किया, फिर 8 सिंगल लेंगे, 9 को बड़ा करेंगे, और फिर 3 सिंगल लेंगे, चौथे को डबल करेंगे, फिर 3 सिंगल लेंगे और चौथे को डबल करेंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, यानी कि बेसिकली जो पीछे वाला जो पर्दा हमारा बनता है वो हमें थोड़ा बड़ा करना है, आगे वाले जो पर्दे हैं वो 4-4 फंदों के हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद में हम लोग 8 फंदे लेंगे और 8 फंदों को हम सिंगल करेंगे, 9 को हम डबल कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरी चेन फिल करनी है, क्योंकि पूरा अगर दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में से दिखा रही हूँ। अभी हम 8 सिंगल कर लेंगे और जो 9वां फंदा होगा उसको हम डबल कर देंगे, इससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे थोड़े थोड़े से। ये देखिए, और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, जब ये चैन पूरी हो जाएगी तो फिर जब दूसरी चैन हम बनाएंगे, यानी कि जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में 4 फंदे सिंगल लेंगे और 5वें फंदे को डबल करेंगे, फिर 4 फंदे सिंगल लेंगे, 5वें को डबल करेंगे, और उसके बाद में 10 फंदे हमें सिंगल लेने हैं और 11वें फंदे को हमें डबल करना है। इस तरीके से हमें करना होगा फिर, यानी कि एक एक फंदा वहाँ से बढ़ा लेंगे हम आगे वाले पर्दों में से, और पीछे वाले पर्दे में से 2 फंदे बढ़ जाएंगे, है ना। इस तरीके से करना है, यानी पहले हमने आगे वाले पर्दे में 3 सिंगल लिए थे, चौथे को डबल किया था, नेक्स्ट लाइन में हम लोग 4 फंदे सिंगल लेंगे और 5वें को बड़ा कर देंगे, यानी कि डबल कर देंगे। इस तरीके से करना है। तो ये हम लोग चोली बना रहे हैं तो पर्दे के हिसाब से हम बनाएंगे इसको। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी मम्मी काउंट कर करके बना रही है, आपको भी इस तरीके से काउंट करना है कि कितने फंदे हमारे हैं, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो आपको जितना लंबा इसको बनाना है, यानी चोली जितनी लंबी बनानी है, उतनी बार आप इसमें सिर्फ आगे वाले जो पर्दे बनेंगे उसमें से एक एक फंदा आपको बढ़ाना है, और पीछे वाले पर्दे में से डबल फंदे बढ़ाने हैं। यानी कि जब पहले हमने 3 सिंगल लिए थे, 4 डबल किए थे, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 सिंगल लेंगे, 5वां डबल करेंगे, तो उसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग फिर 5 सिंगल लेंगे और छठे को बड़ा कर देंगे, अगर आपको और भी बड़ा चाहिए तो। लेकिन इतने में लगभग हो जाता है, 3, 4, 5 नंबर की चोली आराम से बन जाती है। लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग। बाकी 3 लाइन में मोस्टली ये हो जाता है। तो हमने 3 बार ही किया था इसको। तो ये देखिए, इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरीके का ये बढ़ जाएगा फिर। ये देखिए, इस तरीके का ये हो गया है जब हमने डबल किया इसको। अब हम फिर से करेंगे तो फिर से हम लोग, ये देखिए, काउंट करके कर रही है मम्मी। अब हम लोग 4 सिंगल लेंगे, 5वें को बड़ा करेंगे, और फिर 4 सिंगल लेंगे, 5वें को बड़ा करेंगे, और फिर हम लोग 10 सिंगल लेंगे और फिर 11वें को डबल कर देंगे। इस तरीके से हमें पूरे को बनाना है इसको।
ये देखिए इस तरीके से, आप चाहे तो डबल का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कलर का भी, हम लोग सिंगल का ही बना रहे हैं फिलहाल। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को चोली इजीली बनानी आती है तो आप चोली को फिर स्किप करके आगे इसमें बढ़कर देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से इसे मम्मी काउंट करके बना रही है, ऐसे आपको भी काउंट करके ही बनाना है, इससे बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर बनाने में बिल्कुल भी। और इसको बनने के बाद में कैसा लुक आता है ये मैं दिखाती हूँ आपको, जब हम पूरी चैन कर लेंगे। तो हमने पूरा इसको फिर पूरा कर लिया था, उसके बाद में मैं आपको दिखा दूंगी। बस आपको आगे के पर्दे में एक सिंगल बढ़ाते जाना है और पीछे वाले पर्दे में दो बढ़ाने हैं। तो अभी देखो आपको मैं लुक दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके का फिर इसका लुक आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके का ये लुक आ गया है यहाँ पर, देखिए ये देखिए। अब जो इधर वाला हिस्सा है ना जो मम्मी दिखा रही है, ये वाले हिस्से में हमें आस्तीन बनानी होंगी। तो पहले हम देखिए यहाँ पे इस तरह से दो चैन बना रहे हैं, एक चैन में हम लोग लेंगे और एक इसमें फंदा लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक चैन बना देंगे, ये देखिए एक या दो इस तरह से ली है मम्मी ने। इसके बाद हम काउंट करेंगे, तो जहाँ हमने डबल किया था ना, जहाँ हम डबल करेंगे वहाँ पर हम लोग इसकी फिर उसके बाद में करेंगे। तो अभी मम्मी वो फिर से बढ़ा रही है, पांच सिंगल लेंगी और छठे को बड़ा कर देंगी, इस तरीके से कर रही हैं। इसके बाद में जब आस्तीन मम्मी बनाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आस्तीन किस तरीके से इसकी बनानी है। तो जहाँ देखिए हमने डबल किया था ना, जहाँ पर भी हमारे डबल आता है स्टार्टिंग से लेके सीधा डबल में ही हमको बनाना है और फिर उसको आगे हमें लगातार बुनते जाना है, इस तरीके से क्रोशिया करते जाना है। तो आप देख रहे हैं बीच में एक होल जैसा बन गया है, तो ये जो होल बनेगा ये हमारी स्लीव्स बनेंगी। आप चाहें तो फिर दोबारा से चेन बनाकर स्लीव्स को बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब हमें लगातार बुनना है, इसके बाद में जब लास्ट में चार बच जाएंगे ना हमारे फंदे, उसमें से हमें फिर डायरेक्ट करना है इस तरह से होल बनाते हुए, यानी कि चौथे से लेकर फर्स्ट तक हमें फिर से डायरेक्ट बुनना होगा, जिससे इसमें एक स्लीव जैसा बन जाएगा, एक होल जैसा बन जाएगा, यानी कि बीच में तीन चार फंदे हमें छोड़ने होंगे जिससे कि वो राउंड जैसा बन जाएगा और उसमें फिर वो स्लीव्स की तरह हमारे यूज आएगा। ये देखिए इस तरीके से अब हमें डायरेक्ट सिंगल सिंगल बनाती जा रही है मम्मी, और उसके बाद में फिर हम लोग जब लास्ट में थोड़ा सा बचेगा तो हम डायरेक्ट उसको बीच में से गैप देकर, यानी कि फंदे छोड़ करके डायरेक्ट बुनेंगे, तो उससे वो स्लीव जैसा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक आस्तीन बन गई है हमारी, बस ऐसे ही इनको काउंट करेंगे कि हमें कितना हमें चाहिएगा आस्तीन के लिए, जितना हमने आगे से किया है ना उतना ही आप काउंट करना है। देखिए इस तरीके से ऐसे मम्मी काउंट कर करके कर रही है, ऐसे आपको भी काउंट करके ही करना है। अब ये देखिए डायरेक्ट मम्मी ने इसमें बुन लिया है, ये देखिए डायरेक्ट बुन लिया ना इसमें, क्योंकि आगे का पर्दा हमने छोड़ना है, फिर बीच में आस्तीन बनानी है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर हमें आगे का पर्दा पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि आगे के पर्दे के हमें चार पाँच फंदे लेने हैं, उसके बाद में फिर हमें आस्तीन बनानी है, और उसके बाद में फिर हम पीछे के पर्दे को सिंगल लेंगे और फिर दोबारा आस्तीन बनानी है और आगे का पर्दा बनाना है। ये देखिए अब जो बुन रही है वो आगे का पर्दा है, जो हमारे फ्रंट में आता है ये वो वाला है, इसको हमें कंप्लीट करना है पूरा। ये देखिए पूरा होने के बाद में कैसे दिखेगा मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। ये देखिए ये पूरा आगे का पर्दा बनता जा रहा है, बीच में हमारी स्लीव्स बन गई हैं दो, ये देखिए ये दो स्लीव्स बन गई हैं, ये देखिए मम्मी आपको दिखाएगी अभी। ये देखिए इस तरीके का इसका लुक आएगा बनने के बाद में, यहाँ हमारी दो आस्तीन बन गई हैं, ये देखिए एक इधर से है और एक इधर आस्तीन बन गई है दो, ये देखिए इस तरीके का इसका लुक आ जाएगा। अब हमें एक चैन बनानी होगी पूरी, पूरी चैन कैसे बनाएंगे, नीचे का जो पर्दा अभी ये देखिए यहाँ से लेकर, ये देखिए मम्मी बता रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही करना होगा इसको बीच में से बंद करते हुए। तो अब हम इसको पूरे को बनाते जाएंगे, एक सिंगल चैन हमें बनानी है, आप चाहे तो डबल कलर से भी इसको कर सकते हैं बाद में, लेकिन मैं अभी इसी कलर से ले रही हूँ, बाद में हम कलर का यूज़ करेंगे। तो अब पूरे को हमें बनाते जाना है, इसको बीच में से बंद कर देना है, कॉर्नर पर से हमें जोड़ देना है और पूरे को हमें एक ही चैन इसमें बनानी है लगातार इसमें क्रोशिया करते हुए। ये देखिए इस तरीके से हर चावल में हम डालेंगे, हर चैन में डालेंगे मतलब, और इसको हमें क्रोशिया करते जाना है, इसमें आगे बढ़ाते जाना है इसको। ये देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर दूंगी। अब देखिए ये पूरी चैन हमने लगभग लगभग बन गई है, पूरे हमने चैन बना ली है। अब हम दूसरे कलर का यूज कर रहे हैं, अब इस कलर से हम लोग, ये देखिए हम लोग इस कलर से अब फंदे बढ़ाएंगे। हमने पूरे को बंद कर दिया है बीच में से, ये देखिए एक चोली जैसा बन गया है, पूरा बंद कर दिया है इसको बीच में से, और ये देखिए अब हम दूसरे कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसी कलर से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। हम यहाँ पर दूसरे कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसे जो बनाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अब चेन बनानी है इसी में हमें बनाना है, जो हमने अभी क्रोशिया किया था इसी के अंदर बनाना है।
तो पहला फंदा जो है वो हम सिंगल करेंगे और जो दूसरा फंदा है उसको हम डबल करेंगे, यानी एक फंदा छोड़कर अगले फंदे को हमें डबल करते जाना है। इससे फंदे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और फिर ये एकदम गोल जैसा बन जाएगा, जैसे हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस होती है नीचे से, बिल्कुल वैसे ही बनता चला जाएगा। अब जो पहला हम लेंगे वो हम सिंगल लेंगे और जो इसके अंदर लेंगे वो हम फिर उसको डबल कर देंगे, यानी कि दो बार करेंगे उसको, जिससे कि एक फंदा बढ़ जाएगा उसमें। ये देखिए सिंगल लिया है, और जो नेक्स्ट अब हम लेंगे उसको हम दो बार करेंगे, डबल करेंगे, जिससे कि फंदा इसका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हमें फिर नेक्स्ट को सिंगल करना है, उसके बाद फिर बढ़त एक अगले फंदे को फिर हमें डबल करना है। ये देखिए उसी में वापस लिया मम्मी ने और उसको फिर डबल कर दिया है ना। इस तरीके से आपको भी, अब देखिए नेक को सिंगल लेंगे और फिर उसके बाद अगले वाले को हम डबल कर देंगे। अब जो नेक्स्ट हम लेंगे इसके बाद उसको हम दो बार क्रोशिया करेंगे उसमें। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पूरा सर्कल को बना लेना है, और जितने पर्दे आपको जितना लंबा आपको बनाना है ना उतना लंबा आप इस तरीके से बनाते जाइएगा। ये देखिए हमने एक लाइन पूरी कर दी है। ये देखिए इस तरीके से फंदे, एक फंदा सिंगल, दूसरा फंदा डबल, फिर एक फंदा सिंगल, एक फंदा डबल, इस तरीके से करते हुए हमने पूरा बना लिया। अब हम नेक्स्ट कलर से बना रहे हैं। अब हमें जो नेक्स्ट लाइन बनानी है वो हमें सिंगल बनानी है, बिल्कुल इन फंदा में नहीं बढ़ाना है, इसमें बिल्कुल सिंपल बनाते जाना है, सारे फंदों में लेते जाना है और इसको सिंगल सिंगल बनाते जाना है, बिल्कुल भी इसमें कोई फंदा हमें नहीं बढ़ाना है इस वाली में। यानी कि एक लाइन में हमने बढ़ाए हैं फंदे और एक लाइन हमें बिल्कुल सिंपल बनाई है। अब हम इसको पूरे को एक बार सिंगल बना देते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन हम बनाएंगे ना वो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, और उनको हम फंदे उसमें सेम इस तरीके से ही बढ़ाएंगे, पहला फंदा सिंगल, दूसरा फंदा डबल, पहला फंदा सिंगल, फिर दूसरा फंदा डबल, इस तरीके से बनाना। तो जितना लंबा आपको बनाना है बस इस तरीके से एक लाइन में को सिंगल सिंगल बनाते जाएं और दूसरी लाइन में आप एक एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे को बढ़ाते जाएं, जितना लंबा आपको बनाना है उस तरीके से आप बना दें। ये देखिए इस तरीके का ये हमने सिंगल लाइन बना दी है। अब जो हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे ना, ये हमने सिंगल बनाई है, अब जो नेक्स्ट लाइन बनाएंगे वो ग्रीन से बना रहे हैं, और उस लाइन में हम क्या करेंगे, एक फंदा सिंगल लेंगे, दूसरे फंदे को बढ़ाएंगे। बस इस तरीके से आपको भी बढ़ाते जाना है पूरा लंबा, जितना भी लंबा आपको बनाना है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है चोली, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। बस इस तरीके से अब आपको जो नेक्स्ट बनानी है लाइन, उसमें एक फंदा सिंगल, एक फंदा बड़ा, एक फंदा सिंगल, एक फंदा डबल, इस तरीके से बनाना है। तो एक लाइन सिंगल बनाई है, एक लाइन हमने फंदा बढ़ा के बनाई है। अब ये देखिए इतना बड़ा हमने बना लिया, जितना बड़ा आपको बनाना है बस इस तरीके से बनाते जाइएगा। एक लाइन को सिंगल सिंगल बनाना है, एक लाइन में आप एक एक फंदा छोड़कर एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए इतना लंबा हमने इसको बना लिया, जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, जहाँ तक हमें बनाना है उसके बाद में हमें बंद कर देना है इसको। देखिए किस तरीके से इसको बंद करना है वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये ग्रीन कलर की जो ऊन है इससे हमने एक चेन बनानी है, पांच चेन की एक चेन बनानी है, यानी कि पांच चेन बनाएंगे इसमें हम, एक चेन के अंदर पांच बार इसको क्रोशिया करना है, पांच चेन की एक चेन बनानी है। ये देखिए काउंट करके बना लीजिएगा, जो हम फ्लावर्स हमने बनाए थे वो फ्लावर्स हम बना रहे हैं। आप लोग कैसे बना रहे हैं फ्लावर्स ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए एक ले लिया है हमने, ये दो तीन चार और ये पांच, इस तरीके से बना रहे हैं। अब जो फर्स्ट वाला जो फंदा है इसमें हम फर्स्ट वाली चेन है इसमें लेकर फिर से इसको निकाल देंगे, यानी कि इसको बीच में एक सर्कल जैसा बना देंगे इस तरीके से, एक सर्कल जैसा हमको छोटा सा सर्कल बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है इसके लिए। फर्स्ट वाले में डालेंगे और इसको एक फंदे की तरह निकाल लेंगे बाहर और इसका एक सर्कल जैसा बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके मिडिल में से बिल्कुल जहां से हमारा होल बनाया ना, इस सेंटर में से ही हम इसको अंदर की तरफ लेंगे पूरा, यानी कि बड़ा जो फुल एक फंदा होता है वो बनाना है हमें, अंदर से बाहर की तरफ ले जाना है इस तरीके से। पहले बाहर से हम धागे को पकड़ेंगे और फिर अंदर की तरफ लेके जाएंगे और फिर दोबारा इसको पकड़ेंगे, जैसे हम नॉर्मली बड़े बड़े लंबे लंबे चावल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है। इससे क्या होगा, बीच में से एक ये देखिए लंबा लंबे इस तरीके से बन जाएंगे और ये फ्लावर की तरह गोल होता चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनने के बाद में। अब बनने के बाद में इसका पूरा लुक देखिएगा कितना सुंदर लगेगा ये। ये देखिए इस तरीके से हमें लेना है, बाहर की तरफ खींचना है और इस तरीके से इसको बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको बनाना है और ये इस तरीके से जब पूरा बन जाएगा तो एकदम गोल फ्लावर जैसा बन जाएगा और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो
बस इस तरीके से हमें इसमें अंदर लेना है, इंसर्ट करना है और इस तरीके से बाहर निकालना है और इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके का ये गोल बन जाएगा, बिल्कुल इस तरीके का सर्कल बनेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब इसके ऊपर चाहे तो आप इसी से दूसरी चेन बना लें या फिर आप ऐसे इसको छोड़ दें। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कलर के इसके ऊपर एक चेन और बना रहे हैं जिससे कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो दूसरे कलर का हम यहाँ लोग बीच में यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे भी, लेकिन अगर हम दूसरे कलर की इसमें ऊपर आउटलाइन बना देंगे तो वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरे कलर इसमें डाल दिया है और अब इस पिंक कलर से हम लोग इसके ऊपर एक चेन बनाते जाएंगे, यानी चेन के अंदर ही हमें डालना है और इसको फिर हमें क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से बस एक एक चेन चारों तरफ इसके बना देंगे जैसे कि ऊपर एक आउटलाइन जैसी बन जाएगी पिंक कलर की, जो कि थोड़ी और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे फ्लावर्स बनाकर रख लेंगे, जितने भी हमें ज़रूरत है उतनी। ये देखिए इतना खूबसूरत ये लग रहा है और बनने के बाद में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बस हम ये चेन अब बनाते जाएंगे। ये देखिए हाफ हाफ चावल बना रही हैं आप, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाफ हाफ फंदे ले रही हैं, फुल फुल नहीं ले रही हैं। ये देखिए हाफ ले रही हैं, ये देखिए डायरेक्ट इस नीचे से अंदर से बाहर निकाल रही हैं उसको। ये देखिए इस तरीके से आपको भी ये चेन बना लेनी है, पूरी चारों तरफ हम बना रहे हैं। तो ये देखिए फ्लावर्स हमने बना लिए हैं ऐसे ही, बहुत सारे फ्लावर्स हमने बना के रख लिए हैं। अब देखिए बिल्कुल जो हमने ड्रेस बनाई है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ बीच में से हम इसको ऊन के धागे से सिल देंगे। इस तरीके से इसको हम जॉइन कर देंगे। आप इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर फैब्रिक ग्लू आती है उससे भी आप चिपका सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिल रहे हैं इसे एकदम अच्छे से, ये चिपक जाएगा और इसमें बिल्कुल भी फिर निकलने के चांस नहीं रहेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको पिंक कलर के धागे से लगा रहे हैं, आप इसको ग्रीन से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स को चारों तरफ अच्छे से पेस्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से सिलाई कर देना। बीच में देखिए गुलाबी कलर इसमें दिख रहा है, पिंक कलर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। ग्लू गन से भी काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आसानी से हो जाएगा ये। बस इसको अच्छे से इस पर पेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने 3-4 बार अच्छे से इसको सिलाई कर दी है। काफी मजबूती से इसको हमें लगा देना है जिससे बिल्कुल भी निकलने के चांस नहीं रहेंगे फिर इसके। ये देखिए इस तरीके से अब बैक साइड से हम इसको लेकर के बंद कर देंगे और फिर सेम इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स इसमें लगा लेंगे। चारों तरफ अच्छे से फ्लावर्स लगा लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ऐसे ही फ्लावर्स हमें चारों तरफ लगाना है। ये देखिए हमने सारे फ्लावर्स इसमें लगा दिए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, खुला भी छोड़ सकते हैं, या फिर मैं क्या कर रही हूँ दो बटन इसमें लगा रही हूँ। जैसे बटन हम बंद कर देंगे तो एकदम अच्छे से पैक हो जाएगा ड्रेस हमारी, बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे। तो मैं ग्रीन कलर के बटन ले रही हूँ और पिंक कलर के धागे से उसको सिल रही हूँ जैसे कि एक कंट्रास्ट जैसा इसमें कलर आएगा और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे। तो मैं दो बटन यहाँ पर यूज़ करूँगी। आप इसमें हुक भी लगा सकते हैं, चिट बटन जो आता है वो भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पैक हो जाएगा ये बाद में। ये देखिए इस तरीके से तो मैं इसमें दो बटन लगा दूंगी और बटन बंद करने के बाद में ये अच्छे से फिर पैक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग एक चेन बना रहे हैं, तो मैं ग्रीन कलर के धागे से बना रही हूँ चेन। तो आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी आप चेन बना लें, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी चेन बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बस सिंगल धागा हमने लिया है, हमने कोई डबल वगैरह नहीं लिया है। आप इसमें दोनों कलर की ऊन का यूज़ करके भी ये चेन बना सकते हो, आप सिंगल की चेन भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये देखिए सिंगल ऊन से ही चेन बना रही हूँ, ये चेन तो मैं ही बना रही हूँ। ये देखिए हमने इस तरीके की चेन पूरी बना ली है और अब जो बिल्कुल जो हमारी ड्रेस का बिल्कुल मिडल है ना, वहाँ से मिडल में से हम इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। बेसिकली हम इसमें एक डोरी डाल रहे हैं जिससे कि आगे से जब हम पहना देंगे ड्रेस को तो उसको बांधने के लिए ये ठीक रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हम पूरे चारों तरफ इसको अच्छे से इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा दूरी दूरी पर करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, एकदम पास पास करने की ज़रूरत नहीं है, दूर दूर आप करके इसमें चारों तरफ से इसको निकाल दें और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और आगे से इसको फिर हम बांध सकेंगे और बनने के बाद में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए मैंने पूरी डोरी डाल दी और इसको आगे से इस तरीके से बांध दिया है। तो देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है।
है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई लड्डू गोपाल जी की, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, साथ में इतनी सिंपल है कि कोई भी आसानी से बना लेगा। अगर आपको बेसिक ड्रेस बनानी आती है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस के लिए मुझे कॉमेंट कीजिएगा। और आपको और भी अच्छी ड्रेसेस देखने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ है, वो ज़रूर देखिएगा। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।